यहाँ पे इतना क्वांटिटी दोबारा चाहिए और पानी तो और लगाइए इसको दोबारा, एक बार चाहिए तो एक बार लगा सकते हो उसको आप, वही हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो उसमें कितना पानी चाहिए। अभी कम पानी गिरता है आपको तो दोबारा लगाइए वापस यहाँ पे, तो डबल पानी आ जाएगा इसके अंदर से आप देख सकते हैं पूरा। तो इस तरह का एक ही समय के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो स्पेशली एक न्यू प्रोडक्ट न्यू लॉन्चिंग मॉडल लेके आए। जैसे कि आप जानते हैं डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव मार्केट से लेके आते। तो आज स्पेशली दोस्तों हम पानीपुरी मेकिंग मशीन लेके आए हैं, जिसके अंदर आप पानीपुरी है जो बाजार में बोलते हैं, पकौड़ी बोलते हैं, गोलगप्पा बोलते हैं, तो इस तरह की मशीन हम ऑटोमेटिक लेके आए दोस्तों, और हाइजेनिक क्लीनिटी वाली। बाजार में जो पानीपुरी मिलती है दोस्तों, पानी डाल के हाथ में हाथ खराब होते, हाथ गंदे होते, पानी डालते उसके अंदर अनहाइजेनिक रहता है। तो उसके हिसाब से आज पूरा हाइजेनिक टोटली क्लीनिटी वाला मशीन लेके आया हूं दोस्तों। और ये बिजनेस तो ऑल ओवर इंडिया में ये बिजनेस चलता है मार्केट में, कोई भी लोकेशन है, और इसका कोई सीजन नहीं होता है दोस्तों। 12 महीना ये बिजनेस चलने वाला है दोस्तों, आपके खुद के मार्केट में छोटा गांव हो या बड़ा सिटी हो या बड़ा मॉल हो, कहीं पे भी ये बिजनेस आप कर सकते हो मशीन को लगा के। जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, कोई बड़ा स्टॉल है, मार्केट एरिया है, रोड एरिया है, कोई रेकड़ी है, कहीं पे भी आप लगा के बिजनेस कर सकते हो, एकदम लो कंजप्शन है। अगर ये मशीन को आपको बैटरी से चलानी है तो भी आप चला सकते हो, इसमें डीसी पंप हमने डाले हुए, तो बैटरी से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक से भी ऑपरेट कर सकते हो। और पूरी दोस्तों सेंसिंग सिस्टम पे करने वाली मशीन है, सेंसिंग सिस्टम अभी का आधुनिक सिस्टम है मशीन के अंदर डाला हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसका फ्लेवर कैसे बनाना है, कैसे पानी बनाना है, कैसे पानी पूरी बना के कैसे आप सर्विंग कर सकते हो, खाने वाले कस्टमर कैसे उसको खाएंगे, क्या सेटिंग है इसके अंदर, कैसे सेंसिंग पे काम करती है, तो हर एक डिटेल्स हमें वीडियो के अंदर देने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक आप जरूर देखिए, जिससे आपको डिटेल जानकारी और नॉलेज मिले बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये मशीन हमारी 3 फ्लेवर की मशीन है, इसके अंदर आप 3 अलग अलग फ्लेवर लगा सकते हो। जैसे कि फ्लेवर तो बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन आप कोई भी चलने वाले फ्लेवर, जो हाजमा का फ्लेवर है, नींबू का फ्लेवर है, फुदीना का फ्लेवर है, लहसुन का फ्लेवर है, तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर लगा सकते हो। मशीन के अंदर टैंक डाला हुआ है दोस्तों, 5 लीटर का टैंक डाला हुआ है, 5 लीटर पूरा टैंक फिल होने के बाद उतना पानी आप स्टोर कर सकते हो। ठंडा पानी डालेंगे ठंडा निकलेगा, नॉर्मल पानी डालेंगे नॉर्मल निकलेगा इसके अंदर से। फिलहाल अभी हमने मशीन के अंदर 2 फ्लेवर ऑलरेडी डाला हुआ है, जैसे कि फुदीना का फ्लेवर है ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, और दूसरा लहसुन का फ्लेवर है दोस्तों, वो भी अंदर डाला हुआ है। मशीन की खासियत ये रहती है दोस्तों कि इसके अंदर आप कचरे वाला या नेचुरल फ्लेवर भी डालेंगे तो इसके अंदर से निकलेगा, पंप में फंसेगा नहीं। जैसे बाजार में बहुत सारी मशीन रहते हैं उसमें आपको खाली पाउडर वाला ही फ्लेवर डालना है, कचरा वाला जो नेचुरल तीखा रहता है, लहसुन और अपने जो नमक रहता है, काली मिर्च रहती है, ऐसा नेचुरल पाउडर जो रहता है वो फंस जाता है पंप में तो चिपक जाता है। तो ये मशीन के अंदर से आपको नेचुरल पाउडर भी निकाल सकते हो इसके अंदर से दोस्तों। और यहाँ पे हमने सब पानीपुरी भी लेके तैयार रखी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम आपके सामने पूरी वीडियोस बनाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। आलू और उसका मसाला भी यहाँ पे लेके रखा हुआ है, ये भी हम आपको फिलअप करके पानीपुरी बना के पानी भर के खा के पूरी वीडियो में दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 2 फ्लेवर तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं दोस्तों, अभी एक तीसरा फ्लेवर हम आपके सामने बनाएंगे दोस्तों, हाजमा हजम। ये हाजमा हजम का फ्लेवर आप देख सकते हैं दोस्तों, 10 रुपए का पैकेट है, इसके अंदर आपको 4 लीटर पानी डाल के पैकेट को डाल देना है दोस्तों। 4 लीटर पानी आप ये फ्लेवर को इसके अंदर, इसके मसाले के अंदर से बना सकते हो। अभी हमने यहाँ पे पानी लेके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं पानी तैयार है हमारे पास, ये पानी लेके रखा हुआ है दोस्तों। अभी ये पानी हम निकालेंगे इसमें से, ये बाउल नहीं खोलेंगे इसका, खोलिए बाउल खोलिए कैची, अहिया रखी थी कैची हमारा, क्या गई अभी हम इसको पैकेट को ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप पाउडर का भी जो एक कंपनी का मसाला था उससे भी बना सकते हो, और अपने घर पे बैठ के नेचुरल भी बना सकते हो, नींबू डाल के, फुदीना डाल के, मिर्च डाल के नेचुरल पानी भी आप बना सकते हो। अभी हम इसके अंदर पाउडर डालेंगे, आप देख सकते हैं ये पाउडर डाल दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडर हमारे पास पड़ा हुआ है, ब्लेंडर से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी अच्छे से मिक्स हो रहा है, आप देखिए पूरा ये हजमा हजम का पाउडर हम भी लगा रहे हैं इसके अंदर मशीन में से।
पानी इसके अंदर पाउडर अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं दोस्तों, बेहतरीन क्वालिटी से आप देख सकते हैं। ये मसाला मिक्स हो चुका है पानी के अंदर, मसाला अराउंड 30-40 सेकेंड या एक मिनट के अंदर रेडी हो जाता है आपका मसाला है दोस्तों। एक गिलास से हम चेकिंग करेंगे, अभी ऑलरेडी हमने दो फ्लेवर डाला हुआ है इसमें, तो इसमें से हम पहले चेकिंग करेंगे दोस्तों। यहाँ पे भी ऑलरेडी हमने डाला है, तो ये वाला हेड में हमने डाला है, आप देख सकते हैं। अब देखिए पूरा आ रहा है पानी इसमें से, जितना सेट किया उतना गिर के बंद हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे सेंसर है दोस्तों, कोई बटन भी दबाने का जरूरत नहीं है आपको, ये सेंसर दबाएंगे इसलिए गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी इसमें पानी डाला हुआ है और इसमें भी पानी डाला हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेंसर डाला है, सेंसर डालेंगे तो निकलेगा, आप देख सकते हैं। सेंसर छोड़ दिया, यहाँ पे सेंसर है इसका, सेंसर को आठ दबाएंगे तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी पानी नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं निकल रहा है, आप देख सकते हैं। ये पानी अभी हम डालेंगे इसके अंदर से और यहाँ से हजमा हजम का पानी निकालेंगे दोस्तों। इमरजेंसी के लिए यहाँ पे बटन भी दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बटन है, जब भी सेंसर में कोई फॉल्ट या कचरा आ जाता है तो यहाँ पे बटन भी है, बटन दबाने से भी पानी निकल सकता है। देखिए ये बटन दबाने से भी आप पानी निकाल सकते हो इसमें से, आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पानी इसमें फिल करके बताते हैं। सबसे पहले इसका जो बाउल है, बाउल दीजिए, ये इसका ओरिजिनल बाउल है जो मशीन के अंदर बैठने वाला है, ये ओरिजिनल बाउल बोलते हैं इसको। ये बाउल के अंदर हम पानी फिलअप करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने पानी बनाया है इसको पानी को फिलअप करेंगे। ये मसाले वाला पानी हमने फिलअप कर दिया, थोड़ा गुना मसाला इसके अंदर पड़ा रह गया है, यहाँ से इसको थोड़ा ढक्कन को लगा देंगे यहाँ पे। अभी हम इसको पीछे इसकी टैंक में लगा देंगे, पीछे से बताइए हमारे व्यूवर्स को। यहाँ पे इसके टैंक ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये दो टैंक लगे हुए हैं इसके, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी दो टैंक इसके अंदर लगे हुए हैं, तीसरा टैंक अभी जो हमने बनाया, ये वाला टैंक अभी इसके अंदर हम लगाएंगे। और इसका जो अपने पंप रहता है, इसका पंपिंग है जो पानी को खींचता है, सकिंग करता है पानी को, मशीन के अंदर से जो पानी यहाँ से बना के निकलता है वो पंप को लगा देंगे हम इसके अंदर। ये पंप को इसके अंदर हम लगा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका फिल्टर के वाला पंप है, फिल्टर भी इसके अंदर डाला हुआ है, यहाँ से ये सकिंग करता है पूरा पानी को। अभी इसको अंदर डाल देंगे पानी में, ये डाल दिया। उसके बाद इसका जो ढक्कन रहता है वो ढक्कन को लगा देंगे यहाँ पे, इसका बॉक्स है ऊपर से, इसका ग्रिप वाला है, उसका जो तार निकलेगा वो ग्रिप में से आपको निकाल देना है अंदर से। ये ग्रिप है, यहाँ ग्रिप में से तार निकाल देंगे इसका। ढक्कन पैक हो चुका है, अभी इसको पानी को हिलाने के लिए, पानी को सर्कुलेशन करना है, हिलाना है, तो उसके लिए इसका एयर पाइप डाला हुआ है यहाँ पे। इसका एयर पाइप रहता है पानी को हिलाने के लिए, ये पानी को हिलाने के लिए एयर पाइप है, हम इसको एयर पाइप इसमें डाल देंगे जिससे पानी को सर्कुलेशन होगा, तो जो मसाला रहता है वो नीचे बैठ नहीं जाएगा, इसके लिए सर्कुलेशन। यहाँ पे इसका बटन दिया गया, जब आपको पानी घुमाना है तो यहाँ से ये बटन स्टार्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं पूरा ये बबल्स आ रहे हैं, यहाँ पे पानी हिला रहा है, इसको सर्कुलेशन हो रहा है, आप देखिए पूरा एयर इसके अंदर फिलअप हो रहा है, पानी भर रहा है इसके अंदर, पानी को सर्कुलेशन हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पे दूसरा बटन दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लाइटिंग चालू करना है तो लाइट का बटन है, लाइट बंद कर दिया, अभी लाइट स्टार्ट करना है तो लाइट का बटन है, इससे लाइट स्टार्ट हो जाता है इसका। तीसरा बटन जो हमारा यहाँ पे दिया है मेन पावर का है, मेन पावर मतलब मशीन को स्टार्ट करने के लिए, मेन पावर बंद कर देंगे पूरी मशीन बंद हो जाएगी आपके यहाँ से, ये मेन पावर का बटन है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर दिया गया है। अभी यहाँ पे मेजरमेंट है, आपको कितना क्वांटिटी का पानी निकालना है ऑटोमेटिक में से, सेंसिंग सिस्टम से कितना पानी निकालना है, यहाँ पे उसका सेंसर दिया गया दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, गिलास लो तो, जैसे कि अभी एग्जांपल मैं आपको आगे थी बता रहा हूं, एग्जांपल आपको एक बार पानी किसी ने रखा है यहाँ पे, एक गिलास रखा और एक बार किसी ने पानी रखा यहाँ पे, ऑटो कट होके इतना ही पानी निकला इसमें से, आप देखिए। अभी ये क्वांटिटी बढ़ाना है आपको, तो यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो इसको क्वांटिटी बढ़ जाएगा। अभी ये वन नंबर की जगह हम टू नंबर कर देंगे यहाँ पे, गला साहब जी,
अभी इसका पहले वाला का क्वांटिटी देखिए, अभी इसको क्वांटिटी बढ़ाना है आपको, किसी को पानी ज्यादा पीना है इसके अंदर पानी पूरी के अंदर। ये आप देखिए ये क्वांटिटी बढ़ चुका है इसका, पहले से क्वांटिटी बढ़ चुका है। जितना क्वांटिटी बढ़ाना है उतना आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। ये आप देखिए एक शॉट में जैसे पानी किसी ने रखा है यहाँ पे पूरी, कितना क्वांटिटी लगा है आप देखिए पूरा। ऑटोमेटिक ऑटो कट हो जाता है, आपको बटन बंद करने का जरूरत नहीं है। आप देखिए जितना क्वांटिटी सेट करना है ऑटोमेटिकली आप अंदर से सेटिंग कर सकते हो इसका पानी का। अभी हमने उसको पूरा फिक्स कर दिया, अभी इसका हम बाउल बंद कर देंगे, इसको अंदर लगा के इसको बॉक्स को अंदर बिठा के ये भी पूरा पैक कर देंगे इसको। ये भी लॉकर वाला है आपका, कोई भी लॉकिंग सिस्टम करना है तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हो उसको, ताला मार के चाबी निकाल के ले जा सकते हो उसको। अभी हम आपको इसमें से पानी पूरी पकौड़ी हमारे पास रेडी है, नॉर्मल जो बाजार में पकौड़ी मिलती है, इसमें एक रवा पूरी आती है ओसा भी बना सकते हो, नॉर्मल पकौड़ी है ये भी बना सकते हो दोस्तों। इसको भी हम पानी पूरी आपको बना के दिखाएंगे, हमारे पास मसाला भी पड़ा है, किसी को स्पाइसी और तीखा करना है तो उसके लिए स्पाइसी तीखा मसाला रखा है, जिस किसको ऊपर से संचड़ या मीठा डालना है तो उसको नमक संचड़ भी डाला हुआ है हमने इसके अंदर से। यहाँ पे प्लेट है हमारे पास, प्लेट में से हम बना के आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये पानी पूरी हमारे पास, ये मसाला डाला हुआ है यहाँ पे, एकदम हाइजेनिक और क्लीन पानी पूरी इसके अंदर से आप बना सकते हो दोस्तों। अराउंड एक प्लेट आप 6 नंग बनाएंगे तो अराउंड आपको बनाने का खर्चा इसको 5 से 6 रुपए का लैंडिंग गिरता है आपको। बाजार में आराम से कम 20 रुपए में आप आराम से इसको सेल कर सकते हो विथ पानी के साथ में, टोटल खर्चा मिला के 5 से 6 रुपए में आपको लैंडिंग आता है इसका, एक प्लेट बनाने का खर्चा आपको। आप देख सकते हो उसको पानी पूरी हम तैयार कर रहे हैं इसको। हमारा तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं पूरा। अभी हमने जो यहाँ से पानी डाला है अभी बीच वाली फ्लेवर में, उसका लाइन में ले लेंगे हम पानी यहाँ से, आप देख सकते हैं अभी पानी इसमें से लाइन में ले लेंगे यहाँ से। आप देखिए स्टार्ट हो चुका है पानी आना इसमें से, इसको पानी को हम लाइन में ले लेंगे अच्छे तरीके से पूरा। आप देखिए लाइन में आ चुका है पूरा, यहाँ पे मैनुअल बटन है वो दबा के भी लाइन पे ले सकते हैं आप देख सकते हैं पूरा लाइन में ले लेंगे इसको। लाइन में आ चुका है पूरा पानी इसमें आप देख सकते हैं। और इसका जो कचरा आपको बताया था हमने, तो आप देख सकते हैं इसमें जो नेचुरल आइटम है वो उसमें से दिख रहा है आप देख सकते हैं। ये जो नेचुरल आइटम रहता है इसका जो पाउडर का, आप देख सकते हैं इसमें बीच में आ रहा है ना नेचुरल आइटम, इसका जो नेचुरल पाउडर डाला हुआ है इसके साथ में ही आ रहा है, हर एक पानी पूरी के साथ में इसका नेचुरल आइटम आ रहा है साथ में। वही हिसाब से दूसरा जो फ्लेवर है उसका भी नेचुरल आइटम साथ में आ रहा है। यहाँ पे इसका लास्ट वाला फ्लेवर है, आप देख सकते हैं इसका अभी जो हमने प्लेट बनाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 का 6 प्लेट हम यहाँ पे लगा देंगे इसको।
सर्विंग के लिए यहाँ पे लगा देंगे लाइव टू लाइव काउंटर पे। इसका काउंटर भी यहाँ पे रखा हुआ है कि आदमी यहाँ पे खड़े रह के उसको सर्विंग भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं इसको आसानी से। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको, आ जाए यहाँ पे हो जाओ। अब बाजू तौन जना उभा रही जाओ ने बाजू तना तौन जना हो चलो चालू खा बोलो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पानी लगा के इसको सर्विंग कर सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली। आप देखिए पानी आना स्टार्ट हो चुका है, जितना क्वांटिटी चाहिए उतना पानी ले सकते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली। रख रख आप देख सकते हैं सब तीनों तीनों में लहसुन फ्लेवर है, हाजमा फ्लेवर है, सब फ्लेवर आ रहा है उसके अंदर से, सब अलग अलग फ्लेवर आप। और नीचे जो पानी गिर रहा है वो नीचे वेस्टेज बॉक्स हमने दिया गया है, वेस्टेज बॉक्स में नीचे का पानी आ रहा है। यहाँ पे वेस्टेज बॉक्स है वहाँ पे पानी आ रहा है सब। चुराक थोड़ो जब देखिए पानी गिर रहा है ऑटोमेटिक, जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी आप डबल बार ले सकते हो, सिंगल बार ले सकते हो, अगर डबल बार लगाएंगे तो डबल बार भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग करके इसको जब देख सकते हैं यहाँ पे जितना क्वांटिटी दोबारा चाहिए और पानी तो और लगाइए इसको दोबारा, एक बार चाहिए तो एक बार लगा सकते हो उसको आप, वही हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसमें कितना पानी चाहिए, अभी एक कम पानी गिरता है आपको तो दोबारा लगाइए वापस यहाँ पे, तो डबल पानी आ जाएगा इसके अंदर से आप देख सकते हैं पूरा। तो इस तरह का एक ही समय के अंदर 5-6 लोग एक ही डिश के अंदर एक मशीन लगा के 5-6 अलग अलग वेराइटीज आप सर्व कर सकते हो एक ही समय के अंदर। तीनों तीन अलग अलग फ्लेवर लोग कस्टमर आपके वहाँ जो खाने आते हैं वो आसानी से इसको खा सकते हैं दोस्तों। जब देखिए और यहाँ पे वेस्टेज बॉक्स भी डाला हुआ है, जो बचा हुआ पानी गिरता है नीचे वो नीचे कचरा नीचे गिर जाएगा आसानी से। अभी जाओ बाजू चालू रखो तुम्हें वांधो नहीं। तो इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का मशीन है दोस्तों, हाइजेनिक क्लीनिटी वाला बिजनेस है दोस्तों। 2022 का लेटेस्ट फंक्शन है, कोई भी स्मॉल जगह कोई भी स्मॉल साइज पे आप इसको रख सकते हो दोस्तों। एकदम पोर्टेबल साइज है, मशीन का वेट भी एकदम लो वेट है, हाथ में उठा के भी आप ले जा सकते हो। साइज में भी एकदम 2 फीट की साइज आप देख सकते हो। पूरी मशीन की जो फ्रंट है 24 इंच की फ्रंट है, अराउंडली आपको हाइट गिनेंगे तो 22 इंच का हाइट है, और डिप्ट गिनेंगे तो दोस्तों 16 इंच का डिप्ट रहेगा आपको। एकदम कॉम्पैक्ट और कॉमन साइज के अंदर ये मशीन बनाई है। कोई भी आपका वर्किंग बिजनेस भी आप पानीपुरी का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी के मशीन के लिए इसमें बड़ा मशीन चाहिए आपको, 6 फ्लेवर का चाहिए, 8 फ्लेवर का चाहिए, 10 फ्लेवर का चाहिए, अलग अलग मशीन हमारे पास भी अवेलेबल है दोस्तों। तो इस तरह के बेहतरीन क्वालिटी के मशीन के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।